अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। शिप्रा बैराज का मेंटेनेंस कार्य पूर्ण। शिप्रा बैराज का मेंटेनेंस कार्य, जिसमें डैम के 5 गेट के वायर रोप खराब होने पर उन वायर रोपों को बदलने का कार्य चल रहा था। समय से पहले वायर रोप बदलने का कार्य पूर्ण होने पर विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन, नेता सत्तापक्ष मनीष सेन, निगम आयुक्त रजनीश कसेरा के द्वारा लोक निर्माण समिति अध्यक्ष गणेश पटेल, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बैस, सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति अध्यक्ष रामदयाल यादव, शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ अध्यक्ष शीतल गहलोत, वित्त एवं लेखा विभाग अध्यक्ष अजय तोमर, पार्षद प्रतिनिधि संजय दायमा, अजय पंडित, राज वर्मा, मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी एवं निगम सहायक यंत्री जगदीश वर्मा, मनीष चौहान, दिलीप मालवीय के साथ निरीक्षण किया, साथ ही किए गए कार्यों की जानकारी ली तथा कार्य देखा। आयुक्त ने डैम के विषय में तथा किए गए मेंटेनेंस कार्यों की जानकारी दी तथा श्री अग्रवाल एवं श्री जैन के साथ डैम के गेट को अप और डाउन कर सभी ने देखा। विधायक प्रतिनिधि श्री अग्रवाल ने बताया कि डैम की वायर रोप बदलने का कार्य 10 वर्ष में होना था, किंतु किन्हीं कारणों से कार्य करने में देरी हुई। विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार के नेतृत्व में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, सभापति श्री जैन के साथ बैठक की, जिसमें 3 दिवस में कार्य पूर्ण करने पर सहमति हुई। श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि डैम का मेंटेनेंस कार्य एक्सपर्ट टीम से निगम अधिकारियों ने 1 दिवस पूर्व ही कार्य पूर्ण कर लिया गया। साथ ही बताया कि शहर में पानी वितरण भी पूर्व निर्धारित समयावधि में किया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर NBDM से पानी भी लिया जा सकेगा। स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण सभी के द्वारा किया गया कार्य गुणवत्ता पूर्वक हुआ। निरीक्षण के दौरान सभी ने कहा, सभापति रवि जैन ने बताया कि डैम का कार्य तय समय सीमा के पूर्व ही कर लिया, इस हेतु निगम की टीम तथा एक्सपर्ट टीम को बधाई दी। साथ ही यह भी कहा कि देवास शहर में 2 टाइम ही पानी वितरण कम समय किया गया, अब पूर्व समय अनुसार वितरण होगा। यह भी बताया कि क्षिप्रा नदी के पानी का फ्लो जारी है, पानी पर्याप्त मात्रा में डैम में प्राप्त होगा। देखिए, हम सभी को मालूम है कि 12 साल पहले ये क्षिप्रा डैम का निर्माण महाराज तुकोजीराव पवार के नेतृत्व में और उनके सानिध्य से हुआ था, जिससे देवास की जनता की प्यास बुझी थी। पर समय समय पे इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, तो चूंकि एग्रीमेंट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर था इस डैम का, उसको ये हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर जो इसके डैम के गेट्स हैं, जो 12 गेट्स हैं, उसके रोप जो है, उसके बकल्स हैं, उसके क्लिप्स हैं, वो बड़े हैवी रहते हैं और वो सब लगभग ख़त्म होने को थे और वो रिस्क फैक्टर भी था। तो 3 दिन के लिए इस डैम का पानी रोक कर और जो उतना पानी था उतना खाली कर इसका मेंटेनेंस करना था, तो हमारी विधायक राजमाता साहब के नेतृत्व में सभी प्रशासन और इंडस्ट्रियल एरिया के जितने भी फैक्ट्री मालिक थे या उनके चेयरपर्सन थे, उन्हीं के साथ में कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि पानी की जब सप्लाई रुकती तो वो इंडस्ट्रीज़ को भी इफ़ेक्ट आ सकता था, उसमें हमारे उद्योग भी बंद हो सकते थे कुछ दिन के लिए। पर नगर निगम ने बड़ी ही चुस्ती से इस काम को 2 दिन में करा और पानी की सप्लाई भी देवास में नगरवासियों को भी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में होती रही और इंडस्ट्री में भी उनके जो संवेल थे उसमें भी प्रॉपर फ्लो जाता रहा। तो इसी मतलब ये जो एक चैलेंजिंग पार्ट था जो नगर निगम की टीम को और जो हम लोगों ने टीम हायर करी थी, क्योंकि 8 मीटर तक ऑक्सीजन लेके और नीचे जाना पानी के और उसके क्लिप बकल्स डैम के गेट के बदलना और 12 ही गेट को वापस नए रोप और नए क्लिप्स लगाना, एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था और बहुत टाइमलाइन में हुआ। इसी के लिए हम नगर निगम की जो टीम है और बाकी भी जो अंडर वाटर काम कर रही थी वो टीम साधुवाद की पात्र है। बहुत अनिवार्य था कि उसको रोप को चेंज करना, लेकिन कई सारी हमारी चिंताएं भी थी। चेंज करने के पहले, काम शुरू करने के पहले हमने पूरा होमवर्क किया, क्योंकि कुछ पानी जो एक्स्ट्रा था बिफोर 88 से ऊपर उसको खाली करना था। खाली करने के बाद में फिर रोप का काम शुरू होना था। दूसरा, 10 दिन तक इसका मेंटेनेंस चलने वाला था, तो जब तक मेंटेनेंस चलता हम देवास को पानी भी कम मात्रा में और कम दबाव से सप्लाई कर पाते थे। इन सारी बातों को लेकर हमने नगर निगम अधिकारियों के साथ में चर्चा करी, कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग करी, विधायक जी से चर्चा करी और उसके बाद इस निष्कर्ष पर निकले कि जो 10 दिन का काम है इसको हम 5 दिन में करें। हमने फिर 5 दिन में भी हम संतुष्ट नहीं हो, 5 दिन भी ज़्यादा होगा, हमने उसको 3 दिन तय करा।
कि 3 दिन में पूरा मेंटेनेंस का काम कंप्लीट हो, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी जो मेंटेनेंस कंपनी और जो एजेंसी काम करने वाली, उन्होंने 10 दिन का काम 5 दिन, 5 का 3 दिन तय करा और उसको उन्होंने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। कल शाम को वो काम कंप्लीट हो चुका था, ट्रायल भी हो गया था, लेकिन छोटे मोटे मेंटेनेंस के और काम बचे थे, जिसको लेकर आज हमारी पूरी MIC और सभापति जी और हम सब लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं। 488 पॉइंट पे जब हमने मेंटेनेंस किया था, और अभी पानी का जो रूटीन फ्लो है उसी में कल में और आज में काफ़ी पानी बढ़ के 488.5 हो गया है, और जैसे ही ये बारिश होगी तो हमारा डैम फुल हो जाएगा, और उसके बावजूद भी कहीं ईश्वर न करे पानी की कमी रह जाती है, तो जब हमने काम शुरू करा उसके पहले NVDA से बात करी, बात करके उनसे राइटिंग में हमने लिया है कि हमें पानी लगेगा तो जब हम बोलेंगे पानी छोड़ेंगे, इन सारी तैयारियों को करके हमने मेंटेनेंस का काम शुरू किया था। आज वो पूर्ण हुआ है, हम सब लोगों ने देखा, क्वालिटी का काम हुआ, गुणवत्ता का हुआ, हम लोग संतुष्ट हैं, और आने वाले 1-2 दिन में जो देवास में पानी सप्लाई का समय कम हुआ था वो भी रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, संकट की संभावना तो नहीं है शहर में? देवास शिप्रा डैम में आप इसको बेसिकली देखें तो इसका 480, इसका 480 एक नीचे तला लेवल है, और इसका जो क्रस्ट लेवल है जहाँ पर आपका कंक्रीट का जो वॉल रहता है जिसके ऊपर से आपके डैम के जो गेट आउटलेट्स होते हैं वो 488 लेवल पे है। एट अ टाइम आपका 8 मीटर्स वाटर आपका रहता है इसमें डैम के अंदर, और उसके ऊपर से जो डैम को ऑपरेट करने के बाद में 494.6 लेवल इसका टॉप लेवल है, तो वहाँ तक हमारा डैम इसका भर जाता है। अभी इसको हमें मेंटेनेंस के लिए जो इसको इसके क्रस्ट लेवल पर यानी कि 488 मीटर वापस लाना पड़ा था, और उस वक्त हमारे पास में तकरीबन 489.5 मीटर पानी हमारे पास अवेलेबल था, तो लगभग हमने 1.5 मीटर इसका पानी का फ्लो कराया जो बड़ा स्लोली हुआ था। उसके बाद में हमने क्रस्ट लेवल पर आने के बाद में 488 के लेवल पर आने के बाद में इसका दूसरा जो वर्क है हमारा मेंटेनेंस का, जिसमें रोप्स वगैरह बदलना है, हुक्स बदलना है, पूरा मेंटेनेंस का हम लोगों ने इसका वर्क किया है, क्योंकि डैम के जो भी नॉर्म्स रहते हैं नियर अबाउट 10 ईयर्स में, तो उसको आपको मेंटेनेंस को देखना पड़ता है। हमारे जो 5 गेट्स थे वर्केबल नहीं थे, उसको भी हमने मेनली ध्यान दिया और उसको फोकस करके ये सारा काम हम लोगों ने कराया है। इन सारी चीज़ों में नियर अबाउट आप भी मान के चले कि टोटल जो हमारे पास 12 गेट्स थे वो सारा मेंटेनेंस वर्क था। हमारे पास में हम लोगों ने टाइम लिमिट लिया था 5 दिन का, हम उससे जल्दी अर्लियर ही हम 3 डेज का हम लोग फ्री हो चुके हैं। सर, कोई जल संकट की संभावना तो नहीं है? बेसिकली जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 8 मीटर पानी जो रहता है 480 से 488 तक आपके तले से लेके आपके क्रस्ट लेवल तक 8 मीटर पानी आपके पास में हमेशा बना रहता है, अवेलेबल रहता है, तो इस प्रकार से कोई जल संकट देवास नगर निगम नहीं आया या दरगाह शहर नहीं आया। थैंक यू सर।